नमस्कार फरीदाबाद, और इस वक्त हम पहुंचे हैं बड़खल फ्लाईओवर पर। और आप देख सकते हैं यहां पर आशा वर्कर सैकड़ों की तादाद में यहां पर इकट्ठी हुई हैं, और 42वां दिन है इनकी हड़ताल का। और आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहां पर आशा वर्कर्स खड़ी और देख सकते हैं आप, ना केवल फरीदाबाद से बल्कि पलवल से भी यहां पर आशा वर्कर्स इकट्ठी हुई हैं। और कहीं ना कहीं जो इनकी मांगे हैं उनको लेकर आज ये रोज प्रदर्शन कर रही है। 42 दिनों से इनका धरना चल रहा है, आज 42वां दिन है इनके धरने का। और आप देख सकते हैं लेकर बैठे हुए हैं, 4000 में दम नहीं, 26000 से कम नहीं। और पूरा आप देख सकते हैं सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं इनका आक्रोश प्रदर्शन जारी है। पिछले 42 दिनों से ये धरने पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, और आज ये यहाँ इकट्ठे हुए हैं और शांति से प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। और हम दिखा रहे हैं आपको लाइव तस्वीरें, हालांकि ये लोग कह रहे हैं कि हम शांति से प्रदर्शन करेंगे और प्रशासन को किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होने देंगे। और बात करेंगे इनसे आज क्या है जो यहाँ पर ये इकट्ठे हुए हैं, बात करेंगे इनसे। मैं उधर ही आ जाती हूँ। वहाँ जाना, अभी लेकर चलेंगे खुद ही। वही ना, यही समझ में आ रहा, उधर आ जाओ। कौन सा दिन है हड़ताल का? आज 42वां दिन है। जो ये आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, यहाँ से कहाँ जाएंगे? हम यहाँ से कृष्णपाल गुजर के आवास पर जाएंगे, वहाँ अपनी मांगों का ज्ञापन देना है। क्या क्या मांगे हैं एक बार बता दें। न्यूनतम वेतन 26000 दिया जाए जब तक सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता, हेल्थ कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, रिटायरमेंट की उम्र 65 साल होनी चाहिए, रिटायरमेंट के सभी बेनिफिट दिए जाए, और जो मानदेय उसको महंगाई भत्ते से जोड़ा जाए, आशा के ड्रेस का सालाना 2000 रुपए दिया जाए, और जो आशा वर्कर मीटिंगों में जाती हैं, फैसिलेटर अपनी विजिटों पे जाती हैं, उनका किराया भत्ता आशाओं को दिया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर 42 दिन से ये आशा वर्कर सड़कों पर हैं। पूरे जिले, पूरे प्रदेश की 22000 आशा वर्कर हमारी हड़ताल पर हैं। ये गूंगी भैरी सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन जो सरकार सत्ता के मद में चूर है उसको हम बिल्कुल 14000 बाहर का रास्ता दिखा देंगे अगर हमारी मांगों पर बातचीत नहीं की गई। फरीदाबाद आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में यहाँ आशा वर्कर पहुंची हुई हैं, और 42वां दिन है लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से, और ना केवल फरीदाबाद से बल्कि पलवल से भी आप देख सकते हैं भारी संख्या में जो आशा वर्कर है यहाँ पहुंची हुई है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई आश्वासन नहीं, कोई आश्वासन नहीं है जी सरकार की तरफ से। अभी मैं पलवल से आई हुए हैं, पलवल की तमाम 1000 आशा वर्कर आज यहाँ आई हुई है, फरीदाबाद की आई हुई है, मेवात जिले की आई हुई है, गुड़गावा, पानीपत, झज्जर की कुछ आशाएं आई हुई है। यहाँ पे हमारा जो आज प्रदर्शन है 42वें दिन पहुँच गया है, और सरकार को हम ये जता देना चाहते हैं कि जो ये आशा वर्कर है ये कोई किसी की भीख नहीं मांगती, ये अपना हक और अपना अधिकार मांगती है जो सरकार को देना पड़ेगा, और हमारे लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। या तो सरकार रहेगी या फिर हम रहेंगे, अपना मान सम्मान लेकर रहेंगे। फरीदाबाद आप देख सकते हैं महिला शक्ति आशा वर्कर्स सैकड़ों की तादाद में यहाँ मौजूद है, ना केवल फरीदाबाद से बल्कि पलवल से, मेवात से भी यहाँ पर आशा वर्कर आई हुई हैं, और अपनी मांगों को लेकर कहीं ना कहीं 42 दिनों से इनका धरना जारी है, आज 42वां दिन है, लेकिन सरकार की तरफ से इनके लिए कोई भी आश्वासन अभी तक नहीं आया है, जिससे आगे की कार्यवाही ये लोग किशनपाल गुर्जर, माननीय किशनपाल गुर्जर जी के यहाँ जाकर ये अपना रोष प्रदर्शित करेंगे और उनके आगे अपनी मांगे रखेंगे जी। हाँ जी, अपनी मांगे वहीं रखेंगे, अभी शासन मंत्री के यहाँ जा रहे हैं, वहाँ अपना मांग पत्र सौंपेंगे जो कि हमारा 11 सूत्रीय मांग पत्र है,
जिसमें जो हमारी पारुल बहन की डेथ हो गई है उसके लिए भी हम मुआवजा की मांग करते हैं, तो वो मांग भी हमने उसमें शामिल की हुई है। कैसे हुई है डेथ? जब 28 तारीख को हम लोग पंचकुला गए थे तो वहाँ टोल पर उस आशा वर्कर को प्रशासन के द्वारा बहुत धमकाया गया था, उसका बैग चेक किया गया था, उसके पानी की बोतल तक निकाल ली गई थी, जिससे उसको एक तरह से अटैक वाली परेशानी हुई। हमारे साथियों ने उसको उठाया, पानी वानी पिलाया, उस आशा वर्कर को हल्का सा होश आया, जब उसको हॉस्पिटल ले जाके एडमिट किया तो नेक्स्ट डे उसकी डेथ हो गई। आप देख सकते हैं इस धरने में जैसा बता रही हैं, एक आशा वर्कर की डेथ भी हो चुकी है, उसके लिए भी ये लोग अपनी बात रखेंगे। और कहीं ना कहीं 42 दिन हो चुके हैं और 42 दिन में आप देख सकते हैं 42 दिन से लगातार ये आशा वर्कर धरने पर हैं और आज ये मंत्री जी क्या जा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर रखने के लिए कि शायद वहां पर इनकी कोई सुनवाई हो। और आप देख सकते हैं पूरा कहां से पलवल से पलवल में भी ऐसे ही धरना चल रहा है। हाँ जी, पलवल में भी धरना चल रहा है। हाँ जी, 42 दिन हो जाएंगे हमारे पलवल में और सभी आशा वर्कर अभी हड़ताल पे ही है। कोई भी पूरी हरियाणा की आशा वर्कर है वो अभी फिलहाल हड़ताल पे है। और हमारी जो मुख्य मांग है अभी आपको हमारी प्रधान ने बताया, पूरी आशा वर्कर, हम वही आशा वर्कर हैं जो कोरोना काल में हम जब भाई भाई छूने को डरता था और हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट की आशा वर्करों ने ही फ्रंट पे काम किया। और अभी जो सरकार है ये हमसे तानाशाही रवैया अपनाकर हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रही है और सुनने को तैयार नहीं है। हम कहना चाहते हैं सरकार आज हमारा 42वां दिन है, या तो हमारी बात माने, नहीं सरकार को हाथ धोना पड़ेगा, बीजेपी दोबारा नहीं आएगी। तो बेटी बचाओ बेटी बचाने का पढ़ाने का नारा दिया, इस नारे को वापस ले। हमारी हरियाणा की बेटी सड़क पर बैठी है तो इन बेटियों को उठाएं। और 42 दिन हो चुके हैं सड़कों पे बैठी हैं, सारा कामकाज बंद है। और जबकि जो कि स्वास्थ्य का कार्य है वह बिल्कुल ढांचे में जा रहा है, जो कि हमारे यहाँ पर 48 ANC निकलती थी 12 वीक पे, लेकिन हमारे PSC में बताया गया कि केवल 48 में तो 14 ही फर्स्ट में आई हैं। तो बहुत ज़्यादा एनीमिक हो चुकी हैं हमारी बहनें, जो कि उनको डिलीवरी के टाइम बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ रही है, करनी पड़ रही है, खून चढ़ाने खून भी नहीं मिल रहा है क्योंकि हम उनकी देख 2 महीने से देख रेख नहीं कर रहे, तो वे बहुत एनीमिक हो गई हैं। और बच्चा जनता की अगर डेथ हुई तो सरकार, इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। तो आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ मौजूद हैं। हाँ जी, हम हरियाणा की आशा वर्कर हैं और हम 42 दिन से स्ट्राइक पे बैठे हैं और सरकार हमारी अगर मांग नहीं मानेगी तो हम इसे अपना लंबा आंदोलन चलाएंगे। कहाँ से आए हैं? मैं पलवल जिले से आई हूँ और जिले की प्रधान हूँ, मेरा नाम बाला है। बाला जी पलवल से आई हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर फरीदाबाद, पलवल और मेवात से सैकड़ों की तादाद में आशा वर्कर पहुंची हुई है। कहीं ना कहीं 42 दिन से धरना जारी है और 42 दिन से ये लोग सड़क पर बैठे हुए हैं। और आप देख सकते हैं पलवल, मेवात, फरीदाबाद और ये आप देख सकते हैं सरकार की वायदा खिलाफी और शोषण के खिलाफ आज जो प्रदर्शन हो रहा है, पक्का करने की मांग है, न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग है और मुख्यमंत्री द्वारा घोषित की गई 5,000 की जो एक मुश्त राशि है उस घोषणा को भी तुरंत लागू करने की मांग कर रहे हैं। और गंभीर रूप से बीमार और दुर्घटना की शिकार जो आशा वर्कर हैं उनको सरकार के पैनल अस्पतालों में इलाज की सुविधा दी जाए, ऐसी मांगों को रखते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर आज ये लोग इकट्ठे हुए हैं और यहाँ से मंत्री किशन पाल गुर्जर के यहाँ अपनी मांगों को लेकर जाएंगे और वहाँ पर प्रदर्शन कर